उत्तर प्रदेश के शामली में कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां 3 महिलाओं को कोरोना की जगह एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगा दिया गया। इनमें से 70 साल की एक महिला की तबीयत खराब होने पर मामले का खुलासा हुआ। तीनों महिलाओं की उम्र 60 साल से ज्यादा है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच एक और चिंता की खबर सामने आई है। पिछले हफ्ते के अंदर एम्स नई दिल्ली के कई डॉक्टर समेत 31 हेल्थ वर्कर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। राज्यों में वैक्सीन का स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्यों के पास औसतन 5 दिन के आसपास वैक्सीन का स्टॉक बचा हुआ है। आंध्र प्रदेश में 1-2 दिन तो बिहार में 1 दिन के वैक्सीनेशन का स्टॉक है। महाराष्ट्र में बढ़ते संक्रमण के बीच रेमडेसिविर के इंजेक्शन की किल्लत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र को आने वाले दिनों में रोजाना रेमडेसिविर की 1.5 लाख डोज की जरूरत पड़ सकती है। पिछले कुछ दिनों से इसकी कालाबाजारी की भी सूचना मिल रही है। कई जगहों पर ये 10 से 15 हजार के बीच बिक रहा है। मुंबई और नांदेड़ से कालाबाजारी करने वाले 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है। एंटीलिया केस में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के सस्पेंडेड एपीआई सचिन वझे को एनआईए कोर्ट ने 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत में सुनवाई के दौरान वझे के वकील ने उसे जेल में एक सेफ सेल में रखने की मांग की है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। ये परीक्षा 15 अप्रैल से प्रस्तावित थी। बोर्ड ने इसके लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली थी। अब कहा जा रहा है कि परीक्षा का अगला कार्यक्रम हालात सुधरने के बाद ही जारी किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 2 दिनों में चुनाव आयोग ने 2 नोटिस जारी कर दिया है। पहला नोटिस 8 अप्रैल को जारी किया गया था, जबकि दूसरा नोटिस आज यानी 9 अप्रैल को जारी हुआ। नोटिस का जवाब 10 अप्रैल की सुबह 11 बजे तक देने के लिए कहा गया है। लॉकडाउन के डर के चलते एक बार फिर प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। ये लोग अपने घर लौटने लगे हैं। मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन से यूपी जाने वाली ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं है। जनरल डिब्बों में तो लोग एक दूसरे के ऊपर सवार होकर यात्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब की ओर से लिखित पुस्तक ओडिशा इतिहास के हिंदी अनुवाद के लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण का विमोचन भी किया। लगातार 3 दिन की बढ़त के बाद शुक्रवार को शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 154 अंकों की गिरावट के साथ 49,591 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी भी 39 पॉइंट गिरकर 14,834 पर बंद हुआ। बाजार में बैंकिंग और मेटल सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही। वहीं फार्मा सेक्टर में जमकर खरीदारी हुई।